नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आफ्ताब स्टडी क्लास में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं EMJP रोहिलखंड यूनिवर्सिटी मतलब महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के लिए BA पार्ट थर्ड के लिए हमारा इंग्लिश लिटरेचर का पेपर है। और पेपर कौन सा है? थर्ड पेपर, ठीक है। तो आज मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा, कितने नंबर का कौन सा प्रश्न आता है। तो इसलिए आप लोग वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको इसी प्रकार के और भी पेपर चाहिए तो वो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, पेपर हमारा कौन सा है? न्यू लिटरेचर इन इंग्लिश इस पेपर का नाम है, और ये पेपर 2019 का पेपर है, और इसका कोड लिखा हुआ आपके लिए, पेपर कोड 11012 ये इसका कोड है, ठीक है। तो देखते हैं इसके लिए, देखिए टाइम आपके लिखा हुआ है 3 घंटे का समय मिलता है, और ये थर्ड पेपर होता है वो आपका होता है 75 नंबर का। अगर इसका फर्स्ट पेपर है तो फर्स्ट वाला होता है हमारा 75 नंबर का, सेकेंड 75 का होता है, और थर्ड वाला कितने का होता है? 50 का, ठीक है। आपके सामने लिखा हुआ 50 नंबर, तो ये 50 नंबर का पेपर है। अब देखते हैं हम लोग इसमें क्या क्वेश्चन आता है, किस प्रकार से नहीं आता है, ठीक है। तो देखिएगा इसमें, अब देखिए सही से देखिए तब आप समझ पाएंगे इसको। देखिए लिखा है नोट अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, मतलब आपको अटेम्प्ट मतलब सभी मतलब जो है अटेम्प्ट करने हैं, ठीक। क्वेश्चन जिसमें लिखा है नंबर एक, फिर देखिए यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मतलब प्रत्येक प्रश्न आपके लिए 3 नंबर का है, ठीक। दूसरी बात क्या है कि 3 नंबर का है, और पढ़ लेते हैं। इसलिए एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टेंट, मतलब जो आपके सामने क्वेश्चन होगा उसकी आपको व्याख्या करनी पड़ेगी, रेफरेंस संदर्भ लिखना पड़ेगा और प्रसंग लिखना होगा, ठीक है। तो देखिए नंबर एक में आपके सामने लिखा हुआ पैराग्राफ, और अथवा लिखा हुआ और में आपके सामने रखा है, तो मतलब समझिएगा कि पहले में आपके सामने दो रखे हैं, तो दो में से आपको सिर्फ एक की व्याख्या करनी है, ठीक। समझिएगा अथवा का मतलब होता है सिर्फ एक, तो इन दो में से आपको सिर्फ एक की व्याख्या करनी है, रेफरेंस लिखना है, कॉन्स्टेंट लिखना है, जिसके लिए आपको 3 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद में दूसरा नंबर आपके सामने लिखा हुआ है, दूसरे वाले में भी आपको वही करना है कि देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, ये देखिए एक लिखा हुआ है, ये नंबर दूसरा लिखा हुआ है, बीच में लिखा अथवा, तो आपको इन दोनों में से किसी एक का एक्सप्लेन लिखना है, इसका रेफरेंस लिखना है और कॉन्स्टेंट लिखना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको कितना मिलेगा नंबर? 3 नंबर मिल जाएगा, ठीक। और देखिए नंबर 3 में देखिए आपके सामने ये पैराग्राफ देखा इधर, और इसका अगला पैराग्राफ जो है उस साइड मिलेगा, ठीक है। तो देखिएगा अगला पैराग्राफ ये लिखा हुआ है, समझिएगा अगला पैराग्राफ आपके सामने लिखा हुआ है, तो देखिएगा यहाँ पर लिखा है और, ठीक है। तो ये वाला पैराग्राफ आपका है, ये भी आपका कितने नंबर का है? 3 नंबर का है, ठीक है। तो आप इतना समझ गए होंगे पहले। अब देखिए इसके बाद में नंबर बी में क्या है, ठीक, वो भी समझिएगा। इसके बाद बी वाले में आपका लिखा है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 7 ऑफ द फॉलोइंग, 3 नंबर का ये क्वेश्चन है। मतलब क्या करना है आपको, इसमें से आपको छोटे छोटे नोट लिखने हैं, ठीक। प्रत्येक पर आपको एक नोट लिखना है, वो भी छोटा लिखना है, और कितने करने हैं आपको? एनी 7, मतलब आपके सामने 10 प्रश्न दिए हैं, 10 में से आपको सिर्फ 7 प्रश्नों को हल करना है, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का है, समझ गए होंगे आप लोग। देखिएगा इन क्वेश्चनों को देख लीजिएगा, देखिए नंबर 1 से लेकर ये 8 तक ये लिखे हुए हैं, फिर देखिए 9 ये लिखा है, 10 ये लिखा है, तो 10 में से आपको सिर्फ कितने करने हैं? एनी 7, कोई 7 करना है, और प्रत्येक 3 नंबर का है। इतनी बात आपकी कन्फर्म हो गई होगी। इसके बाद देख लीजिएगा, ठीक है, आगे देख लीजिएगा नंबर 2 में क्या कह रहा है। नंबर 2 है अटेम्प्ट ए क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम द वाइल्ड कॉलोनियल वाय, अथवा में लिखा है ब्रिंग आउट द फेमिनिस्ट नोट ऑन इन एडा कैम्ब्रिज पोएम एन आंसर। देखिए आपके सामने 2 क्वेश्चन रखे हैं, 2 में से आपको सिर्फ 1 का जवाब देना है, जिसके लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे। तो देखिए इसके लिए आपको 5 मिल जाएंगे, 5 नंबर। तीसरे वाले की बात करेंगे हम लोग यहाँ पर, इसमें भी आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, अथवा में लिखा हुआ है, 2 क्वेश्चन लिखे हैं, और दोनों क्वेश्चन में से आपको सिर्फ 1 करना है, जो कितने का है? 5 नंबर का है। और देखिए इसके बाद में 4th क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इसमें भी आपके लिए अथवा लगा हुआ है, कि चाहे आप ऊपर वाला कीजिए चाहे नीचे वाला कर दीजिए, इसके लिए भी आपको 5 नंबर मिलेंगे। और इसके बाद हमारे नंबर 5 में लिखा हुआ है, इसमें भी आपके सामने 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, 2 में से आपको सिर्फ 1 का जवाब देना है, तो इसके लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे। तो देखिएगा हम लोग गिन लेते हैं कि हमारा कितने नंबर टोटल हो गए हैं, ठीक है। तो फिर से समझिएगा कि जो नंबर 1 में होता है क्वेश्चन, उसमें प्रत्येक 3 नंबर का होता है, हमारे सामने 3 पैराग्राफ मिलेंगे, तो ये देखिए 9 नंबर तो हमारे ये हो गए, ठीक है। इस पन्ने पर हमारे कितने नंबर हो गए? 9 नंबर। अब देखिए अगले नंबर कितने हुए थे, 9 तो पिछले वाले हमारे थे, ठीक है। अब इस पर देखिए, इस वाले नंबर बी वाले में प्रत्येक 3 नंबर का है, और आपको 7 करने हैं, तो 7 के 21 का ये हो गया हमारा। और देखिए इसके बाद में दूसरा वाला, तीसरा वाला, चौथा, पाँचवा, ये हमारे क्वेश्चन कितने कितने नंबर के हैं? 5 5 नंबर के हमारे ये क्वेश्चन है, तो 20 नंबर की हमारे ये हो गए, ठीक है। टोटल देखिए 50 का हो गया। इस प्रकार से हमारा 50 नंबर का पेपर जो है हो गया, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और अगर आपको और भी इनके जो इंग्लिश का जो है पेपर, अगर आपको और भी देखना है, तो आपको उसका जो वीडियो जो है वो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। उसमें सारे BA के पेपर जो है मैंने दे दिए हैं, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।